उत्तर प्रदेश के अमरोहा के गांव मादनखेड़ा में दो दिन पहले किसान कृष्णपाल की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि बेटे पर बुरी नजर रखने वाले गांव के ही किसान कृष्णपाल की किसान शूरवीर सिंह ने अपने भाई रणवीर के साथ मिलकर दो दिन पहले हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए नौगावा सदात थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुआ। लेकिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मीडिया के सामने कृष्णपाल की हत्या का मुख्य आरोपी शूरवीर सिंह फूट फूट कर रो पड़ा और उसने हत्या का जुर्म कबूलते हुए बोला कि हत्या का असली जिम्मेदार वह है और उसने उसकी हत्या करके उसके शव को तालाब में फेंका है। उसके भाई का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए उसको छोड़ दिया जाए। आपको बता दें कि नौगावा सादात थाना क्षेत्र के गांव मादनखेड़ा के रहने वाले किसान कृष्णपाल सिंह के ऊपर आरोप था कि वह गांव के ही निवासी शूरवीर सिंह की बेटी के साथ छेड़छाड़ किया करता था। इस बात का विरोध करने पर भी वह नहीं माना और लगातार शूरवीर सिंह की बेटी के साथ छेड़छाड़ करता रहता था, जिस पर गुस्साए शूरवीर सिंह ने कृष्णपाल सिंह की पिटाई के बाद चाकू से हत्या कर दी और उसके शव को गांव में ही तालाब में फेंक दिया। जिसके बाद इस पूरे मामले में मृतक कृष्णपाल सिंह की पत्नी ने अज्ञात हमलावरों हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। पुलिस ने इस पूरे मामले की विवेचना शुरू कर दी और उन्होंने पूछताछ के लिए शूरवीर सिंह किसान को हिरासत में ले लिया, जिससे हुई पूछताछ में पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया और शूरवीर सिंह ने कृष्णपाल की हत्या करने का जुर्म कबूल लिया। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। तो सर, तो किस तरीके से मना? तो मैंने जो इस पे जो तमंचा था मेरे पे, एक उसमें दाना था बस, अरे खुसला था सर मेरे पे, तो खुसला जो मारने को हुआ इसके टिपलर से पीछे चढ़ गया मैं मोड़ पे जैसे आया, और जो मैं ऊपर चढ़ने के बाद जो मैं इसके तेजी से ट्रैक्टर जैसे मोड़ा तो मैं इसके ऊपर ही गिर गया और मैं ये जो कुछ जो है जिसके गले में गिरा जाएगा, मैंने इसका जो आगे से कपड़े पकड़ लिए और हम दोनों टिपलर के नीचे गिर गए और टिपलर भी जब हम दोनों गिरे तो इसका बैलेंस हट गया, इसकी स्ट्रेन से और ये पेड़ से लग गया बकान से, तो फंस गया ट्रैक्टर तो ये गिर गया, मैं भी गिर गया। फिर दोनों में छीना झपटी होती रही था सर। मैंने जो फिर मेरे पास तमंचे था, तमंचे का मौका नहीं मिला चलने का, खुसरा लंबा था इतनी दूरी में नहीं चल पाता, तो साहब मैंने इस पर जो तमंचे से वार करिया भट से उसकी, तो उसकी जो घाव हो गया और जो थोड़ा बेहोशी सी हालत में हो गया सर, ये भजने लगा, तो भजने लगा मैंने फिर पकड़ लिया, फिर भजने लगा फिर पकड़ लिया, फिर बोला भाई मेरी गलती क्या? मैंने कहा गलती भाई तेरी ये है, जब तू मेरी लड़की की बदतमीजी करी, बदतमीजी करे बाद हमने तुझसे बताई ऐसा कर क्यों कराते हैं ना, तो तूने और हमें मारने की धमकी दे दी ख़त्म करने का। हत्या करने में आप दो दिन थे? नहीं सर, मैं अकेला था, मैंने अकेले ने मारा है, अकेले ने जो मोटरसाइकिल का दोस्त है ये भाई हैं बस, इसका संबंध यह है कि भाई से जोड़ दिया कि अकेला आदमी नहीं मार सकता, इन्होंने ये कर दिया कि अकेला आदमी नहीं मार सकता, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि अकेला आदमी क्रोध में जिस टाइम आदमी जो है अपने बल और उससे लड़ता है तो अकेला आदमी सब कुछ कर सकता है। हत्या करी है ठीक है, उसके अब क्या सर महसूस कर रहा है, अफसोस हो रहा है नहीं हो रहा है? जी अफसोस, भाई का है ये बेकसूर है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये मुझसे परिवार अलग है, मुझे अपना कोई कसूर नहीं। हो सकता है किसी और बेशक दिमाग में कुछ आ गई हो, क्या ये खुद ही ये कह दे कि हाँ भाई गलती होगी मेरी, भाई मैं तेरे बाल को ये मतलब देखना चाह रहा था गंदा है कैसा है, परंतु इसने 20 दिन के बाद भी कोई मिस है जिक्र नहीं करा कृष्णपाल ने। फिर मैं जो है 25 दिन हो गए, 25 दिन बाद जो है मैं इससे पूछने लगा कि भाई कृष्णपाल एक बात तो बता भाई, तुम मेरी लड़की को चलो मैंने रिक्वेस्ट करा आप भेज दिए छोड़कर बताओ चले गए, तो तुमने जो है फिर वहाँ दिल्ली में जाकर अपनी बच्ची के सामान ले आकर वहाँ मेरा मान सम्मान और बच्ची का मान सम्मान को जो भंग किया, छेड़खानी की, और उसके बाद फिर इसने समाज के अंदर जब विद्रोह किया तो घर आके ने अपनी सफाई में जो सारे सुमित को वीडियो में उससे फ़ोन करवाया कि तू लड़की से बात कर। जी लड़की का कोई वीडियो बनाई थी क्या उसने कृष्णपाल ने? हो सकता है सर वीडियो बनाई हो, मुझे जानकारी नहीं थी बच्ची ने, तो इसने जो साहब वो जो है मतलब अपना जो वो करा तो मैंने किस तरह का प्लान बनाया मानने का? फिर मैंने प्लान ये बनाया, मैंने इससे कही भाई तेने ऐसा क्यों करा, तो ये बोला भाई अब तो हो ही गया, मैंने कहा भाई हो गया, मैं समाज में कहूँगा जो हमारे घर ही हैं घर वाले हैं घर वाली है जो भी मुरकारी के बरन सिंह रिश्तेदार हैं इनके संबंधी हैं सबसे कहा मैंने उनसे कहूँगा, तो बोले अगर तेने कही या रपट करी पुलिस के अंदर, मैं बोला मैंने अगर तुम मैं नहीं कह दूँगा मैं पुलिस में पहुँचूंगा, अगर तुम जाओगे तो मैं तुम्हें जो है तू भी गोली मार दूंगा, मैंने 6-7 मर्डर कर चुका हूँ एक तेरा भी सही, परंतु मैं जो हूँ अगर तुमने कहीं भी अगर पुलिस में किसी ने मेरी कंप्लेंट की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो सर मैंने जो एकदम चुप हो गया, और मैं जो एकदम चुप होने के बाद कुछ दिन के लिए चुप हो गया 8-9 महीने के लिए,
तो ये पीछे हैदराबाद वाला जो कांड हुआ, पुलिस ने एनकाउंटर में बलात्कारियों को मारा, तो उसमें एक दिन मैं मोबाइल पर आ रहा था जी, उसमें देख रहा था, तो मैंने देखा कि साहब जो सरकार ने इनके इन हथियारों को मतलब इस सही सजा दी है हर आदमी, तो मैं इस कृष्णपाल से ही पूछने लगा कि भाई ये कृष्णपाल कह लगा एक दिन ऐसे ही आता था मिलने, पर इसे मैं जाहिर नहीं होंगी कि इससे क्रोध है इसका, मैं तो अपने डरा हुआ था ना कि ये इसका उम्मत है मार देगा, तो मैं जो मैं बोले कृष्णपाल यार ये गलत हुआ, वैसे बोले गलत नहीं भाई, इनकी साथ इनकी तो हत्या बहुत ही बढ़िया करा पुलिस ने, फोर्स ने जो की, और ऐसे अत्याचारों के साथ तो ऐसा ही होना था, और जो है अगर ऐसा सरकार दो चार ये जो है स्टाफ करे पुलिस महकमा, ये मतलब सरकार इनके खिलाफ जो इस तरह सख्त कदम उठाए तो ये बलात्कारियों का इस तरह से जो रुक जाएगा। तुम्हें सीख जो मिली, प्रेरणा वहाँ से मिली, प्रेरणा मिली आपने दी हैदराबाद से, जी प्रेरणा हैदराबाद से मिली सर, और फिर इसी ने अपना जो है सलूशन दिया कि ऐसा होना चाहिए था इनके साथ। जो तुम्हारे सहयोगी हैं ये कौन है आपके? ये सारे भाई हैं जी, सगे भाई हैं, छोटे हैं। आपने इनसे बताया? जी नहीं, मैंने किसी से नहीं बताया सर, फिर तो मैंने अपने अकेले ही प्लान बना लिया। अब 7 तारीख को जो मैं देखता रहा, मैं पूछता रहा भाई, इससे पूछता था भाई गन्ना कब जाओगे, पर्ची है तुम पर नहीं है, क्यों? मैं सोचता था कि रात में जो मर्डर करूंगा तो मैं जो बच भी जाऊंगा और जो है सुरक्षित भी रहूंगा और जो है बाहर बालक परिवार भी बच जाए। एक हमारे मित्र था, ये संबंधित है थोड़ा, तो सर ये जो है मैं बोला इससे भाई मुझे यार तकलीफ रहती है नजली की, भाई तुम जो है दिल्ली कब जाओगे अपनी माँ की दवा लें, इसकी माँ जो थोड़ी माइंड से वो थी तो उसकी दवा चलती थी सादर की तरफ दिल्ली में, तो वहाँ से जब जाते थे तो मैं इससे पूछने लगा कृष्णपाल था भाई तुम कब जाओगे वहाँ पर, तो ये बोला भाई अभी तो 8-10 दिन की दवा है तब जाऊँगा, तो मैंने इनसे हाथ जोड़कर रिक्वायर करी भाई यार मेरा बहुत तकलीफ रहती है, मैं गाड़ी में नहीं बैठ सकता, नजले का मरीज हूँ, बार बार मुझे थूकना पड़ता है, नीला पानी मुँह से आ जाता है, तो इसलिए मैं यार तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ, तुम मेरी बच्ची को जो है जब दवा लेने जाओगे तो मेरे बच्ची को पेपर देना मुकारी से कि वो गाड़ी जाती है दिल्ली के लिए, उसमें जो है इसने बताया था कि उससे चले जाएंगे, सुबह जो है जाएगी वो 2-2.5 बजे जाती है और जो 6-7 बजे वहाँ पर पहुँचा देती है, तो ये जो उस गाड़ी से सर जो है निकल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, तो ये उसी आधार पर जो है जब पेपर का टाइम आया 2-3 दिन बाद ये जो था उस चले गए। एक लड़का था सुमित हमारे गांव का था, उसका भी पेपर था दिल्ली, और जी ये जो थे जो चले गए, ये दवाई लेने चले गए और ये है लड़की पेपर देने चली गई कॉलेज। जब कॉलेज चली गई तो फिर एक शाम को रात हो गई तो सर वहाँ जो है मतलब एक लड़का था हमारे यहाँ का प्रदीप इंद्रपाल सिंह का, वो कोचिंग जी कोचिंग सेंटर वो कोचिंग कर रहा था, वहाँ किसी चीज़ की तैयारी कर रहा था, तो सर जो है फिर जो है वहाँ जब नहीं मिला टाइम तो लड़के ने उससे संपर्क किया भी यार तू कहाँ है, बोले मैं जो वहाँ हूँ जो तुम मैं हम तुम्हारे कमरे पर आना चाहते हैं, तो ये तीन मेरी लड़की कृष्णपाल और ये सुमित जो है ये चले गए सर उसके कमरे में जब टाइम नहीं मिला गाड़ी का, तो हाँ भैया शाम को रुक गए, तो साहब कहने कृष्णपाल ने साहब मेरी लड़की से जो बच्चे बदतमीजी करी सर और जी छेड़छाड़ करी, उसने जो है वो उनका जो विद्रोह करा कि भी चाचा तुम मेरे बाप के समान हो और मेरे बाप ने तुम्हें सौंप के भेजा कि अपनी लड़की उनको भाई लोग पेपर दुआ लगे तो बाप के समान, तो तुम यह आज अकेला देख कहीं बदतमीजी क्यों करो, उस टाइम जो है वो व्यक्ति वहाँ कमरे में नहीं थे दूसरे जो, तो सर ये जो है बदतमीजी करा तो उसने करा तो बोला ये कुछ नहीं होता, चलो कोई बात ना चाचा उचा कुछ नहीं, ये उम्र अब हम उम्र से ही अपन कोई बात नहीं ऐसा हो जाता, तो जो है मेरी बच्ची ने जो मतलब विद्रोह किया तो वो अपने सफल हुई और उसने अपने मान सम्मान को बचाया। फिर ये जो है आएगा जी घर आ गए तो बच्ची ने मुझसे बताया पापा ऐसे 10 दिन बाद मुझसे वो छुपाती रही कि पापा को कैसे बताऊँ, पापा का दोस्त करके भेजा बाप के समान, इनने मेरे साथ ऐसा करा है, तो जो है 10 दिन बाद वो सेमी मैं पूछने लगा बेटी क्या बात है कैसे उदास है तू, तो सर कोवलिन को जो है मेरे जो चाचा ने जो मेरे साथ बच्चा भी करने की कर रहे थे ये, और जो मैंने अपना मान सम्मान बड़ी बड़ी मसों से बचाया, तो मैं कृष्णपाल से बोला 20 दिन का फिर मैंने गैप लिया मैं, और जो व्यक्ति अपने आप ही मुंह से कह रहा हाँ सही कह रहा, तो मैंने इसके ही मुंह से कवाई और इसके ही मुंह से कवा कर उसके जो इसका फाइनल कर दिया। अब साहब जो भी सरकार और जो समाज भी है दोषी मानता है वो मुझे सजा दी जाए, परंतु मेरे भाई को और जो निर्दोष है और इसका कोई मतलब नहीं है, तो मैं प्रशासन से और मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी थे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से और गणमान्य सभी अधिकारियों से यह गुजारिश करता हूँ कि भैया जो आप प्रशासन सजा दे, जो जनता सजा दे, उसे मैं कबूल करता हूँ, परंतु मेरा भाई रणवीर सिंह जो है ये बेकसूर हैं, इनका इस पे केस कोई लेना देना नहीं है। मैंने ही मोटरसाइकिल पर अकेले ने धर के दोनों तरफ को लटका कर गया कि इस तरह के गधे वाला एक बोरे को ले जाता है ईंटों वाला, इसे ले जाकर मैंने तालाब में फेंक दिया। और इस घटना से मेरे भाई को जो मुझसे एक अलग परिवार है, बहुत साल से मेरे बोल चाल ही नहीं है, और मैंने इस जो कोई भी सहारा नहीं लिया और अकेले जाकर फेंक दिया। वो इनपे सत्रपाल सिंह ने इसमें जो है मेरे भाई को जो फंसा दिया कि इनका परिवार नष्ट हो जाए सारा परिवार। मैं चाहता हूँ सर जी, जो मैं गुनहगार हूँ तो सर मुझे ही सजा मिले। और नौगवा सदा थाना क्षेत्र के झिरकी तालाब में 7 तारीख को शव बरामद हुआ था। शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया। विवेचना से पता चला कि गांव के ही एक व्यक्ति जिनकी लड़की पर मृतक बुरी नज़र रखता था, उसने प्लान बनाकर जब वो रात में गन्ना लेकर जा रहा था उसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद लाश को ले जाकर तालाब में फेंक दिया। ठीक है, बरामद हुआ सर इसमें बरामदगी में एक चाकू, एक तमंचा, 315 बोर और मृतक का टूटा और जला हुआ मोबाइल, ये बरामद हुआ। थैंक यू। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।